चीफ रहते हैं क्राउडू हसन कुर्तुलाइन का। ओके आज के मम्मा बाबा को जिनको उन्होंने खुद इनवाइट किया है उनको वेलकम करते हैं इकरार और कुर्तुलाइन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आइए भाई हमारे जो गेस्ट है उनको यहाँ पे बिठाइए ना आप। इनको बोले तशरीफ रखे, इनको बिठाइए आप। आपकी सालगिरह में आए हैं जी। अच्छा जी, तो अब पहला अब जो है ना मम्मा डैडी आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, मम्मा डैडी आपको कहानी सुनाने वाले हैं। जब परी आई और पहलाज को लोदी में देखे गई जब ये छोटे से थे, फिर क्या हुआ? क्या करते थे पहलाज? कितनी रातें जगाते थे? क्या करते थे? इनके बारे में आज शो है भाई, क्योंकि आज इनकी सालगिरह है। आपने नहीं बताया सबको कि आज आपकी कौन सी वाली सालगिरह है? बताओ। पहले सबसे पहले एक थी, रात को मम्मा ने मेरे ऊपर फेंकी थी। हाँ, क्या फेंकी? फूल फेंके थे, सरप्राइज दिया था रात को। वो वन थी। अच्छा, वो वन। उसके बाद एक टू जो मेरे घर में मैंने बहुत अच्छा बनाए थे, और अब ये थ्री बर्ड है और बहुत सारे। आप कितने साल के हो गए? मैं ये पूछ रही हूँ कि ये आपकी कौन सी, इसका मतलब ये आपकी फिफ्थ बर्थडे है। वो ये बता रहे हैं कि हाँ मैंने सेलिब्रेशन कितनी की है। वो इसकी थर्ड बर्थडे है, वैसे थर्ड है, देखिए वैसे फिफ्थ है। चलो पहला आपको कहानी सुनाए हम। जब आप गोदी में आए पहली दफा मम्मा बाबा की, फिर क्या हुआ? मुझे क्या पता, तुम सुने ना आप। आपको कभी मम्मा और डैडी ने बताया है कि आज जब छोटे से थे तो क्या करते थे? कभी भी नहीं बताया। बहुत दफा बताया। क्या क्या? देखिए ना, आप कितना याद करके क्या क्या चीजें बताइए। कि बाबा मुझे गोदी में उठा के सुलाते थे। और लेके कहाँ से आए थे आपको? आगा खान से। अभी एक दिन मुझसे मेरे से कोई बात कर रहा था, तो मैं कुछ काम कर रही थी, तो मुझे आके कहते हैं अगर आपने मेरे से बात नहीं करनी थी तो फिर आप मुझे आगा खान से लेके क्यों आई थी? इमोशनल बैक रेडी। फिर दोबारा कोई बात हुई, अगर आपने ये करना ही नहीं था तो फिर आप मुझे आगा खान से लेके क्यों आई थी? तो अभी दो तीन दिन पहले मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था, मैंने कहा अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी होती तो आगा खान से मेरे साथ आए क्यों थे? इसलिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। कि आप लेकर आई थी ना मुझे, आपने ही तो चूज, वहाँ पे बच्चे जो थे आपने चूज किया था ना। हाँ भाई, जवाब सुनिए भाई, जवाब तो बहुत बढ़िया। हाँ, जवाब तो बहुत अच्छा भाई। ये जब पहली दफा आपकी गोद में आया नहीं और इकरार आपकी गोद में, तो क्या फीलिंग्स थी? याद है कुछ? इनसे शेयर करें जरा, इनको बताइए तो जरा। हाँ, कैसी चेंजेस आई आपकी? पहले तो इकरार ने देखा, मैंने देखा। अच्छा, वो लेके आई, उसने मुझे कहा कि आपको अच्छा, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, बहुत एक गिलगित बल्तिस्तान वाला गोरा चिट्टा अजीबो गरीब बच्चा था। अजीबो गरीब नहीं, प्यारा मतलब वाइट, बहुत ही ज्यादा प्यारा वाइट था। और वो नहीं तो आपको अपनी अपनी और अपनी बीवी के हुस्न पे क्या वो था, शक था? हाँ, लेकिन माशाल्लाह इतना इतना गोरा चिट्टा बिल्कुल ही नहीं, वाकई लगता था कि बल्तिस्तान का कोई। और इसकी आईज हम दोनों की तरह नहीं थी, बिल्कुल डिफरेंट आईज थी, आईज देखी कलर थी, याद है नीली नीली आंखें थी, ग्रे ग्रीन सब मिक्स कर। फिर मुझे वो जिस तरह मुर्गी नहीं होती उस तरह करके डॉक्टर ने दिखाया कि देख लीजिए आपका ये बच्चा है। अरे बच्चा देख लो पूरा है ये सारे के सारे। फिर उसने कहा इसका वेट शेट लंबा शंबा करके, इतना लंबा है, इतना वेट है। बिल्कुल बिल्कुल सही वाले सही तरह मुर्गी की तरह ट्रीट कर रहा था इसका। तो बस सारे ध्यान से नहीं। अच्छा, फिर इकरार छोटा बच्चा ना बाप गोद में नहीं उठाते, उनको डर लगता स्लिप हो जाएगा, गिर जाएगा। पहला बच्चा तो आपने से गोद में लिया या आप कब कपा रहे थे? मैंने बिल्कुल गोद में लिया। हाँ। और फिर उसके बाद ये मुस्तकिल मेरी गोद में रहा। अच्छा। बहुत अरसे तक ये किसी और से सोता नहीं था। मैं अच्छा। सारी सारी रात कमरे के अंदर चल चल के, और एक महीना ना ये चार को सारी जिंदगी याद रहेगा कि बहुत देर तक मैं उसको सुलाता था। एक महीना था बस, एक महीना नहीं सोता नहीं था किसी और से। इकरार नहीं इसको बाबाओं का यही होता है, थोड़ा सा काम करके पूरी जिंदगी बच्चे को बताते रहे। देखा वो एक महीना मैंने तुम्हें गोदी में उठाया, उसको याद है कि मेरे बाबा मुझे सुलाते थे बस, और जिंदगी नहीं। अच्छा तो बात सुने, नहलाता कौन था, पॉटी कौन चेंज कराता था? वो तो मुझे नहीं पता।
मम्मा कराती नहाती दादो थी यानी वो मुझे नहलाती थी और अच्छा तो ये वो वाले बच्चे होते हैं ना जिनके पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं रातों को जगाना और फिर इसलिए उनको टहलाना पड़ता है, तो ये बच्चा इस बच्चे का शुमार किस बच्चे में होता है? नहीं इसने तंग नहीं किया, सच रोता नहीं था, लेकिन ये वैसे इसको पता नहीं इकरार की आवाज शायद अच्छी लगती थी, जब मैं लोरी सुनाती थी तो ये थोड़ा सा बेचैन इकरार इसको लोरी सुना सुना के चलाते थे अल्लाह अल्लाह करके ना। अच्छा अच्छा, अब वही फिरता रहता है क्योंकि मुझे याद है उन दिनों मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी। अच्छा, तो फिर मेरा होता था कि चलो मैं लेट जाऊँ और फिर इकरार जो है वो उसको टहलते रहते थे लेके फिर सो जाता था रात में किसी भी टाइम पे। मैं जागती थी साथ, ऐसा नहीं था कि ये सो जाती थी, लेकिन ये कि काफी देर तक ये गोद में इकरार के सोता रहा। मुझे याद है एक दफा उसको बड़ा तेज बुखार हो गया तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गए इमरजेंसी। वहां पर अब ये चुप ही ना हो इकरार ने इसको वहां पर सुनाना शुरू किया, तो ये चुप। अच्छा, पूरी इमरजेंसी खामोश, इकरार इसको गाने सुना रहे हैं, डोरी सुना रहे हैं, ये चुप है। जब इकरार चुप होते थे ये फौरन दोबारा रोना शुरू हो जाता, जब इसको डायरिया हुआ था। अच्छा, आपको ये भी याद है? अच्छा अच्छा भाई, ये मुझे बताएं कि ये खाने में कितना तंग करते थे जैसे बच्चों के? नहीं है अभी भी बहुत ज्यादा। क्यों भाई, पहला बड़े कैसे हो गए? 5 ईयर के हो गए और फिर इंशाल्लाह आगे और 10 फिर 15 फिर आगे बढ़ते जाओगे तो मसल्स वसल्स कैसे बनेंगी? अभी बहुत तंग है, हड्डी थोड़ा भी बड़ा नहीं हुआ अभी, थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा। ग्रो तो तभी करोगे ना जब खाना खाओगे। क्या खाना नहीं अच्छा लगता? मैंने रात को पूछा क्यों नहीं खाना खा रहे, तो कह रहे कि मेरा खेल खराब होता है, मुझे बोलना होता है खेल के दौरान, फिर मैं खाना खा रहा था तो बोल नहीं सकता इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा, खेल खराब होता है। एक मिनट भी जाया नहीं करना चाहता खाना खाने में, जाया नहीं करना आवाज। अच्छा, इसकी कोई खास ऐसी कोई हरकतें जो होता है ना बच्चों की, पहली दफा क्या बोला, कोई माइलस्टोन्स होते हैं, कोई मजे मजे की चीजें होती हैं जो बच्चे करते हैं याद रह जाती है माँ बाप को? जैसे मेरे बच्चे ने सीखा था परफ्यूम लगाना, तो उसे सबसे पहले 1 साल का होता है कि परफ्यूम लगा दो, मतलब कि अब्बा को देखा था आपने, वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। आज माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं। नहीं ऐसा कोई खास इसके कुछ नहीं था, ये दिन मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ कुछ करता रहा, कुछ अच्छा इतना स्पेशल नहीं। हाँ ऐसा नहीं, मैं ऐसा खास नहीं है, ऐसा होगा जो याद रह गया हो। हाँ। लेकिन मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ इसकी चेंज होती रहती है, जैसे इसने बहुत सी चीजें खुद ही छोड़ दी, हम लोग परेशान होते थे कि अब ये इसको छोड़ना चाहिए, चुस्नी पीना इसने खुद से छोड़ दिया। अच्छा, वो उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, वरना बच्चों को बड़ा तंग करते हैं छोड़ने के लिए। अब फीडर का था कि फीडर अब ऐसा ऐसा आप खुद ही कहता मामा बस अब मैंने फीडर नहीं पीना, मैं जो है ना वो अब भी मैं उससे पिया करूंगा, खुद ही से खुद ही काफी चीजें से खुद से खुद समझदार दानिशमंद बेटा पैदा आपने किया है। ये तो फैसले खुद ही कर लेता है, लेकिन जो है वो इसकी मजे की बात है कि इसने बड़े अच्छे जो बोलना सीखा है ना वो बड़े मजे मजे के लफ्ज शुरू किए थे, जैसे जैसे लाइट चली गई तो मामा ये हमूकत ने क्या ड्रामे लगाए हुए, हमूकत ने क्या ड्रामे लगाए, हुकूमत ने क्या ड्रामे लगाए, वो सारे जो इसके वर्ड थे वो बड़े मजे के, बिल्ला वजह चूंके चुनाचे हालांकि उर्दू दान पैदा किया। अभी भी बड़ा एक मजे का कोई लफ्ज आजकल इसने बोलना शुरू किया है, मम्मी अभी मेरे जहन में आता है मुख्तलिफ इस किस्म के ना बहुत मुश्किल मुश्किल लफ्ज इसने शुरू में बोलना शुरू किया। घर में आप लोगों की गुफ्तगू ऐसी होती है? मे भी शायद, लेकिन टीवी में चूंकि देखता रहता है कि माँ प्रोग्राम पढ़ रही है, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिस तरह बाबा बाबा मैंने किसी चीज को लेके आया, बाबा मैंने भांडा फोड़ दिया इसका, वो सारे सुनता है इस किस्म की चीजें ना। जब बाप का प्रोग्राम देख रहा है तो उसमें अगर हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमने फलां का भांडा फोड़ दिया। हाँ। तो अभी इसको अभी वो अभी मुझे कहता है वो मुझे निदानती ने लास्ट टाइम क्यों कहा था कि इसके पेट में दाढ़ी है। बेटा ये महावरे उन बच्चों के लिए बोलते हैं छोटे होते हैं लेकिन बड़ों वाली बातें। हाँ। अच्छा अच्छा, मैं डर गया, मैंने कहा शायद सच्ची बुच्ची मेरे पेट में नहीं, ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो छोटे होते हैं लेकिन बड़ी वाली बातें करते हैं। माशाल्लाह, तो ये माशाल्लाह ज़हीन है बहुत, और मुझे लगता है कि उर्दू में तो आप 100 में से 100 नंबर लेंगे। लेकिन उर्दू लिखनी बहुत मुश्किल लगती है हमें। अच्छा? सबसे मुश्किल, सबसे आसान मैथ्स है। अच्छा। और फिर उसके बाद इंग्लिश अच्छी लगती है। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है वो उर्दू। उर्दू बहुत मुश्किल, लिखने में तो वैसे बाकी मुश्किल है। अच्छा, जब ये क्या चीज़
बोलने में इजी है, बोलने में इजी है ना, तो जब बोल लिया तो लिख भी लेंगे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो। अच्छा जब ये छोटे थे और बीमार होते थे तो फिर क्या होता था कि बीमारी में बस रोना धोना है, ये साबेर बच्चे बिल्कुल नहीं, दवाई नहीं पीता ये बिल्कुल भी बीमारी में, अभी भी इसको दवाई तो मैं सिरिंज में डाल के छुप छुपा के कहीं से आके इसको एक बंदा पकड़ता है हाँ। फिर दूसरा आता है फिर उसको सिरिंज में, अभी तक इसको दवाई पिलाना जो है अच्छी नहीं लगती दवाई आपको, गंदी टेस्ट अच्छा नहीं, नहीं यार हाँ वहाँ टेस्ट बुरा होता है दवाइयाँ, पैनाडोल तो अच्छी होती है, पैंटाडोल पेंटाडोल अच्छी हाँ वो तो अच्छी होती है, मीठी होती है, मीठी होती है वो तो। आपको कौन सी दवाई बेस्ट लगती है? मुझे दवाई कोई भी नहीं, कोई भी बेस्ट नहीं लगती है ना। अच्छा फ्रूट्स खाना अच्छे लगते हैं? फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बनाना और लेकिन एप्पल नहीं खाता, और मौसमी का जूस और एप्पल का जूस और पता नहीं क्या क्या। हाँ भाई फ्रूट अच्छा लगता है ना, शुक्र है ये बच्चों को, नहीं तो क्या चीज आपको जिंदगी में अच्छी नहीं लगती खाने में यार, कि ये मुझे नहीं अच्छी लगती भाई, और जबरदस्ती मम्मा वो एग एग हाँ वो वाला जो ऐसे वाला होता है ना, ये वाला फ्राई अंडा, इसको मैं ये वाला कहती है वाला हाँ। ये ऐसे वाला कौन सा होता है? वो तो आप खाते हैं नहीं, ये नहीं। वाला नहीं, ये वाला भी नहीं और ये वाला भी नहीं, ये और ये क्या है? ये वाला तो फ्राई अंडा हो गया ना, वो जिसपे टिक्किया होती है सफेद वो वाला हाँ। और ये वाला कौन सा है? ऑमलेट ये वाला हाँ जी जी, वो जो क्रो को देते हैं उसकी जर्दी वो वाला, वो भी नहीं अच्छा लगता। और जी वो खाते हैं चॉकलेट को किसकी जर्दी देते हैं? वो बॉइल्ड है, बॉइल्ड है ना, बॉइल्ड है। अच्छा ये बॉइल्ड है, ये बॉइल्ड है और ये फ्राई है। और मम्मा जबरदस्ती एग खिलाती है क्या? नहीं। तो कौन सी चीज जबरदस्ती खिलाती है और आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? कोई कौन सी चीज जबरदस्ती नहीं खिलाती? नहीं, कौन सी चीज जबरदस्ती खिलाती है, खाओ ठूसो और आपको अच्छी नहीं लगती? वो तो एक थोड़ा सा ही बस खिलाती है। अच्छा इतनी जबरदस्ती नहीं करती है? जबरदस्ती नहीं नहीं करती, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चीज तो खानी नहीं चाहिए, बस ये तो अच्छी नहीं है? हाँ ऐसी कोई चीज, सब्जियां वब्जियां खा लेते शौक से? वेजिटेबल खा लेते, वेजिटेबल खा, करेला खाते हो? करेला हाँ वो भी खा लेते। सबसे अच्छी सब्जी कौन सी लगती है? सबसे अच्छी सब्जी अनियन। प्याज ओए होए, पहला बच्चा देखा भाई प्याज को, पिज्जा पिज्जा का ऑर्डर खुद जब करता है तो उसको कहता है कि एक्स्ट्रा अनियन और एक बुक करके दिखाते। चलो तो एक मिनट चलो ऑर्डर करके दिखाते, चलिए पिज्जा ऑर्डर करें जी, जैसे हां जैसे फोन का ओके, चलिए जी फोन मिलाएं, ये फोन हां फोन, एम मत चिकन सुप्रीम पैन पिज्जा 50% सॉसेस, अनियन की एक्स्ट्रा टॉपिंग ज्यादा, चीज की एक्स्ट्रा टॉपिंग ज्यादा और ऑलिव की एक्स्ट्रा टॉपिंग ज्यादा, 373 घर का एड्रेस नहीं बताना, घर का एड्रेस और क्या ऑलिव्स हाँ, इसकी एक्स्ट्रा टॉपिंग ज्यादा और 50% लेस सॉस, 50% लेस है ना, बाकी सब चीजें एक्स्ट्रा थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा थोड़ी ज्यादा। अच्छा तो पहला मैंने आज बच्चा देखा है जो प्याज शौक से खाता है, तो पता है प्याज बहुत मुफीद है, बहुत फायदेमंद है, पता है आपको? उससे गर्मी नहीं लगती है, लू नहीं लगती है, पता है आपको? ये बात बताइए आपके डैडी ने मम्मा ने, आप तो शौक से खाते हो, आपको क्या परेशानी है? क्या खाए थे? मसर, मसूर। अच्छा मसूर, मसूर नहीं मसर होते हैं, उर्दू में मसूर होते हैं, वैसे उसको मसर कह देते हैं। अच्छा अच्छा जी ये मुझे बताओ कि ज्यादा आपको उदासी कब होती है, मम्मा घर में नहीं हो या डैडी घर में नहीं हो? डैडी मम्मा घर में। अच्छा डैडी घर पे होते, मम्मा तो घर पे होती है जब, और डैडी भी घर पे हो तो कितना खुशी होती है, कितना मजा होता है, कितना मजा आता है जब दोनों घर पे हो। लेकिन दोनों नहीं, जब मम्मा अकेली हो ना तब मुझे ज्यादा मजा आता है। क्यों ऐसा क्यों है, ये क्यों है ऐसा? ये पहला आज आपको बाद में बताएंगे, पहला आज ब्रेक का टाइम हो गया है भाई,
सही वाली लंबी ये तो ब्रेक पे जाना है आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वापस ठीक है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से वापस जाते हैं, लेते हैं छोटा सा ओके। प्रहलाद की बर्थडे और सेलिब्रेट करेंगे हम सब इकट्ठे मिलके, तो कहीं मत जाएगा क्योंकि अभी फेस्टिविटी है भाई।